तो अभी हम आ चुके हैं इस लोको शेड के सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू पर। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है वैक 12 हेल्पलाइन सेंटर, या फिर इस लोको शेड में इसे वॉर रूम के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इस वॉर रूम में होता क्या है, आइए मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। तो ये है हमारा सहारनपुर के एल्स्टॉम डिपो का वॉर रूम, जहाँ पे हमारे सामने ये दो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं। अब इन स्क्रीन्स पे हमारे इंडिया में जितने भी वैक 12 लोकोमोटिव चल रहे हैं उनके बारे में पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी एक प्रॉब्लम है किसी भी वैक 12 लोकोमोटिव में, यहाँ पे बस एक क्लिक से आप पता लगा सकते हो कि आखिर वो प्रॉब्लम क्या है। किसी भी तरह का एरर है, किसी भी तरह का अलर्ट है, वहाँ पे ये हमें इंस्टेंट बता देता है कि किस लोकोमोटिव में कौन से लोकेशन पे क्या प्रॉब्लम है। और एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से ये यहाँ पे हेल्प करता है लोको शेड स्टाफ को किसी भी वैक 12 में कोई भी प्रॉब्लम पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे साथ सर हैं, सर से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वॉर रूम यहाँ पे फंक्शन कैसे करता है और इसके मेनली बेनिफिट्स क्या है कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। तो ये जो हमारा सेटअप है, इसको हम लोग WG12 का हेल्पलाइन या कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। ओके, ये मेनली सेटअप है कि जो हमारे लोको मेन लाइन पे चल रहा है, मतलब इंडिया के किसी भी ट्रैक पे चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, उसमें जो हमारे LP लोको पायलट हैं उनको कोई प्रॉब्लम आए तो हम वहाँ सपोर्ट कर सकें। ओके, एक तरह से ये बोल सकते हैं ये पहला ऐसा सेटअप है जो 24/7 चलता है। ओके, इसके लिए हमने एक टोल फ्री नंबर दे रखा है लोको में जिस पे LP कॉल करते हैं, वो हमारे कॉल जब आती है तो हमारे ये जो इंजीनियर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं उनको। तो उसके लिए हम दो टूल यूज करते हैं ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए, एक हम बोलते हैं ट्रेन ट्रेसर, दूसरा हम बोलते हैं हेल्थ हब। ओके, ट्रेन ट्रेसर में हम क्या करते हैं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला हमारा ट्रेन ट्रेसर का जो मेन पेज हम यूज करते हैं वो मैप व्यू है। इस मैप व्यू में आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया हमारे जितने भी लोको चल रहे हैं। ओके, वो हम यहाँ पे देख के, इस मैप में हम देख के जान सकते हैं कि वो किस लोको में, किस जोन पे, किस एरिया में है। ओके, तो अगर मैं इसको जूम करूँगा तो आपको इंडिविजुअल लोको भी दिखने लगेंगे। और अगर मैं इंडिविजुअल किसी लोको का स्पेशल सर्च करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इस फिल्टर को यूज करूँगा, इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरा इंडिविजुअल लोको आ जाएगा। ओके, तो मॉनिटरिंग वो तो हो गया आपका कि लोको कहाँ है, किस लोकेशन पे, वो मॉनिटरिंग। प्लस अब आते हैं जो आपके क्रिटिकल सब सिस्टम लगे हैं जो हमारे मीन्स रिलायबिलिटी और लोको की हेल्थ हमें बताते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सारे सिस्टम का हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अगर मेरा सारा सब सिस्टम जो है वो हेल्दी कंडीशन में है तो वो मुझे यहाँ पे ग्रीन दिखता है। ओके, तो होता क्या है, जैसे आपका बालाजी लोको कहीं चल रहा है, आपको उसमें प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको डाटा देखो, ये करो। बट उससे अच्छा हमने क्या किया, यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आपको तुरंत एक ट्रिगर आ जाएगा, कलर आपकी जो आई होती है कलर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी। हमने ग्रीन रखा है हेल्दी के लिए। Okay, एक मेरा डिटेंसी अगर लॉस्ट होता मेरे लोको चल सकता, हमने येलो पे मूव कर दिया है। और अगर क्रिटिकल है कि लोको फेल हो रहा, आपको हटाना उसको, वो रेड पे चला जाएगा। Okay, तो टीम ये भी मॉनिटर करती है। ये हो गया आपका रिमोट मॉनिटरिंग को लेकर। अब आता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कि सही है फेलियर हो गया, आपने करेक्टिव कर लिया, बट आपको फेलियर होने से पहले आप कैसे उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप फेलियर को रोक सकते हो। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हेल्थ हब। ओके, तो हेल्थ हब जो ये है, इस पर हमने क्या किया हुआ है, हमने पैरामीटर्स को लेके ट्रिगर बनाए हुए हैं। ओके, कि जैसे मैं एक पैरामीटर बोलता हूँ कि हमारे पास जैसे ट्रैक्शन मोटर है तो सारे ट्रैक्शन मोटर में करंट जा रहे हैं, तो हेल्दी कंडीशन में जो ट्रैक्शन मोटर है उनके बीच में करंट का डिफरेंस नहीं होगा। हमारा एक्सल लॉक होता है, कुछ अगर फेलियर होगा तो करंट डिफरेंस आएगा। करेक्ट, बट एक्सल लॉक होने से पहले ही आपका एक ट्रिगर देना चालू कर देगा कि हाँ वो डिफरेंस पहले कम होगा फिर ज़्यादा होगा। तो हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लिया कि इतना करंट डिफरेंस अगर मेरे मोटर में आएगा तो जो भी हमारे कंसर्न पर्सन है सबके मोबाइल पे SMS चला जाए कि ये लोको है उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो उससे क्या होगा, फेलियर होने से पहले सबको पता चल जाएगा, तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का। ओके, ओके, ये तो हो गया मॉनिटरिंग बस। अब सेकेंड, जब ड्राइवर का फ़ोन आता है तो इंजीनियर सपोर्ट करते हैं, प्लस जो कॉल वो करते हैं उसके बेस पे हम फेलियर एनालाइज करते हैं, फिर जो भी फेलियर आया है उसका डीप ड्राइव करते हैं कि ये फेलियर आया क्यों आया, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मीन्स रूट कॉज एनालिसिस, ये सारा होता है यहाँ पे। ओके, ओके, और जो भी कॉल आते हैं वो सारे यहाँ पे रिकॉर्डेड है। ओके, मीन्स अगर 3 महीने पुराना भी कॉल हमें सुनना है तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग लाइन से डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा एल्स्टॉम डिपो का वॉर रूम, जहाँ पे दो एप्लीकेशन के हेल्प से, दो एप्लीकेशन यानी कि ट्रेन ट्रैकर और हेल्थ हब, जो कि एल्स्टॉम के अपने खुद के डेवलप किए हुए एप्लीकेशन है, उनके हेल्प से
वैक 12 जो भी इंडिया में जितने भी वैक 12 हैं उनको मॉनिटर किया जाता है और उनमें होने वाली कोई भी प्रॉब्लम से बचा जाता है या फिर उन्हें फिक्स करने का ट्राई किया जाता है। तो कैसे IoT का यूज़ करके यहाँ पे हमारे एल्स्टॉम डिपो में वैक 12 की जो भी प्रॉब्लम्स है, इनके लोकोमोटिव में जो भी प्रॉब्लम्स है, वो कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो।